हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो ससुराल ब्लॉग एक और रह गया है, बस ये लास्ट है क्योंकि अगले दिन हम लोगों को निकलना होगा। तो ये हमने कहा कि आज प्रॉपर एक ब्लॉग तो बना ले, हमेशा बस टूर पे ही रहते थे तो आज हमने कहा कि लो शुरुआत से बना लेते हैं। और घर में झाड़ू पोछा हो रहा है और हम पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब भगवान का मंदिर साफ़ कर रहे हैं। तो पूजा हो गई और हम चले गए पापा जी के लिए नाश्ता बनाने। झाड़ू पोछा भी हो गया है और पापा जी अब पूजा करने बैठ जाएंगे। तो खाना पीना मतलब सुबह का नाश्ता वास्ता हो गया था, फिर मैंने लंच बना कर रख दिया था, फिर मम्मी ने हमको बुला लिया था मार्केट, महाराजगंज मार्केट है, कि मतलब कुछ साड़ी पसंद कर लो आके, क्योंकि भैया दूज में जो पैसा वैसा मिलता है हमेशा खर्च हो जाता है। तो हमने कहा आपकी बार हम ले लेते हैं। तो ये लाडो आंटी की दुकान है। नहीं, टिफिन देख चला आया हूं। अच्छा, भैया दुकान पे गए थे। कहा लिया था? अरे वाह, तुम आए थे। क्या लिया था आपको? सबसे पहले आपको तो सबको ही भैया दूज का पैसा मिला हुआ है, तो मैंने दो साड़ियाँ ली, मम्मी ने लिया और पूजा दीदी ने भी लिया। और ये लाडो आंटी की दुकान है तो यहीं पे हम लोग लेने आ जाते हैं, सही रेट पे मिल जाता है और सामान भी बहुत अच्छा रहता है। तो अब हम इसके बाद जाएंगे मतलब सुनार की दुकान में, हमको पायल भी लेनी है और मम्मी ने हमको एनिवर्सरी गिफ्ट दिलाया है, तो वो भी आप लोगों को लास्ट में देखने को मिलेगा। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए, कहीं जाइएगा मत, और ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए। और हम आ गए सुनार की दुकान पर। बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन थी, समझ में नहीं आ रहा था, लग रहा था सब ले लूँ। मेरा हमेशा ही रहता है, लगता है सब लेके भाग जाऊँ इतनी अच्छी अच्छी डिजाइन। तो मुझे पैर में बिछिया वाला मतलब पायल लेना था, पैर में बिछिया और पायल ज्वाइंट हो, लेकिन बहुत भारी दिखा रहे थे, तो फिर हमने नहीं लिया। थोड़ा माइंड चेंज हो गया कि भाई इतना भारी हम संभाल नहीं पाएंगे, मतलब हल्की होती थोड़ा कि पैर में बिछिया और पायल तो वो सही रहता, लेकिन थोड़ा ना भारी में था ये सब। मैं सारी डिज़ाइन दिखा रही थी कि मेरी YouTube फैमिली बताएगी कि कौन सी डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अच्छी है, तो फिर मैं दिखाती हूँ लास्ट में कौन सी मैं लेके आई हूँ। और दो तीन पायल लेके आई हूँ, तो एक मम्मी ने दिलाई है, बाकी हल्की हल्की डेली यूज के लिए भी लाई हूँ। और ये मार्केट है तो सब्जी वगैरह भी थोड़ा लेना है, सरसों का साग बनाना है मम्मी ने कहा, क्योंकि हम महाराजगंज मार्केट जल्दी नहीं घूमे क्योंकि भाई हम यहाँ के बहू हैं, लेकिन आज पूरा 4-5 घंटे घूमे। जब ये आए वापस तो बोले, पल्लो बोल रही थी कि ये लोग 4 घंटे से वहाँ थे, पता नहीं क्या ले रहे हो। ये दूसरी दुकान है, अब यहाँ पर सूट सिलने को भी दिया है और यहाँ से थोड़ी कुर्तियाँ भी ली हैं। तो मतलब अब की बार सच में हमने बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग कर ली है, पहले साड़ियाँ इतनी महंगी महंगी, फिर से दोबारा साड़ियाँ ये, और अब ये कुर्तियाँ ले रही हूँ और पायल, पता मेरा बहुत हो गया अब की बार, लेकिन मैं खुश हो गई हूँ अब की बार। तो काफ़ी शॉपिंग करने को मिल जाता है तो खुशी तो होती है। और अनु आ जाएंगे, इनका रिएक्शन जरा देखना। ये पल्लो का सूट है, सिल गया है। पूछो, आप पूछो, हम लोग कितने बजे ने तो, हाँ तो कौन बोला, वो लेस करके कौन बोला पूरा मारा दिन क्या रहे अरे यार धक्का लग गया तो क्या करें। अनु साथ पहली बार गाड़ी में बैठे हैं भाई के, बोलिए। मार्केट से हम लोग 4 बजे वापस आए थे और समझ लो लौट के खाना भी नहीं खा पाया, कि उन्होंने कहा जल्दी से बैठो बाइक पे और हमको जाना है आधार कार्ड सही करवाने। पिछली बार मतलब सही करवा गए थे लेकिन उसमें नाम थोड़ा सा गलत हो गया था, तो फिर करवाने आए हैं, तो इसमें हस्बैंड नेम हो जाएगा, तो वही मतलब आज फिर से टूर हो ही गया लास्ट में कहाँ सोच रहे थे कि मतलब आज घर पर होंगे बैठेंगे आराम से, लेकिन आज भी नहीं रहा गया। और अब देख लो साड़ियाँ सूट क्या क्या जो लाए हैं। हाँ ऐसी साड़ी अच्छी बोल लगती सारी शरीर पे ना एकदम पहनो तो। तो ये डेली वियर के लिए साड़ियाँ ली हैं, ये मेरी साड़ियाँ हैं जो मैं दिखा रही हूँ, ये तो दीदी की है
और इसके बाद वाली मेरी और फिर इसके बाद वाली मेरी, तो ये मेरी पसंद है ये। और ये भी हम बता लखनऊ होके जाना था, हम लोगों को नेक्स्ट डे निकलना भी है, तो आज सारी पैकिंग करनी है। पैकिंग करने से पहले सामान तो सारा फैलाना ही रहता है क्योंकि सब देख देख के रखना होता है ना, और उसी दिन क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एक दिन पहले पैकिंग कर लो ज़्यादा सही रहता है। मैं क्या खा रहे हो? यूं तो नहीं है, नहीं है। तो सोच रहे थे मुझे पागल बोलने ही वाला है लेकिन नहीं बोला आज। और ये मेकअप का सामान है, ये भी सब रखना है। मुझे पैकिंग करने में बहुत दिक्कत होती है और हालत देखो मेरी कैसे हो गई, क्योंकि सुबह से मतलब काम पहले कर रहे थे घर का, फिर चले गए मार्केट, तो मार्केट में थकान तो हो ही जाती है, फिर चले गए आधार कार्ड बनवाने, और अब हो गई है शाम, पैकिंग वगैरह करनी है और शाम को हो रही पिज्जा पार्टी। ये क्या ले आए? अरे वाह, हमारी साड़ियाँ आ गई, पिज्जा आ गया। लास्ट डे अनु का बहुत मन था कि सब लोग रायविल चलते हैं पिज्जा खाने, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि चले, तो यहीं पे ले आए अनु। लोग जा रहे हैं पिज्जा पार्टी करने। अरे अरे गानो अरे गानो स्वीट कॉर्न का स्वीट कॉर्न नहीं, सारे वेज लोडेड। और शाम को ही बना के रख दिया मैंने सरसों का साग, क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगता है और सुबह पैकिंग वगैरह मतलब हो चुकी होती है, लेकिन सुबह निकलना होता है तो बहुत से सारे काम हो जाते हैं, तो मैंने सरसों का साग बना के रख दिया है। रेसिपी तो हम आप लोगों के साथ शेयर ही करते रहते हैं, तो फिर कर देंगे बाद में। और ससुराल व्लॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं रोज़ बना लेती हूँ, भले वो एडिटिंग करके थोड़ा सा लेट पहुँचा पाऊँ, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगता है और मेरे कुछ व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगता है। 8-9 दिन की छुट्टी ऐसे ही निकल गई, कभी मतलब फैमिली के साथ ऐसे बैठ कर बात बात नहीं हो पाई, तो आज हम लोगों ने अपनी नींद हराम करी। अभी टाइम 11-12 के बीच का हो रहा होगा, हम लोग सब बैठ कर बातें कर रहे हैं, ये टाइम सबसे बेस्ट होता है कि फैमिली के साथ बात करो, ये तो अलग ही टाइम रहता है। तो अब आप लोगों को तो यहाँ की बातें समझ में आएंगी कि नहीं, कभी बचपन की बातें शुरू हो जाती हैं, कभी हो जाता है मतलब पूनम जी से, मतलब चाचा जी को गर्मी लग रही थी तो दीदी पंखा चल रही थी, तो वो पंखा ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, तो चाचू गुस्सा हो गए कि जितनी तो गर्मी नहीं लग रही उससे तो ज़्यादा पंखे की आवाज़ आ रही12 बजे हमसे चाय बनवा रहे हैं लोग। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, रात के 12 बजे हमसे चाय बनवा रहे हैं ये लोग, ला रहे हैं और बोले हैं कि चाय बना के ले आओ, तो मैं आई हूँ चाय बनाने। आज पहली बार हुआ कि बर्तन सब फैले पड़े हैं, धुले भी नहीं थे, बतिया रहे चक्कर में। चाय बन के चाय बर्तन भी पहले पड़े, पहली बार हुआ कि बर्तन पहले पड़े, मुझे ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सिंक का बर्तन छोड़ दो। अब चाय पहले मुझे बर्तन धोने पड़ेंगे, फिर चाय बनानी पड़ेगी, सारे चाय के ही बर्तन पड़े ज़्यादा, तो क्योंकि खाना किसी ने खाया नहीं सिर्फ तक पता, मैंने बना दिया है सरसों का साग और ये सुबह के लिए नाश्ता हो जाएगा, मतलब फिर जो भी खाना बनेगा कढ़ी चावल सुबह, क्योंकि बहुत हो जाता है खाना ले जाने के लिए, बनाओ फिर नाश्ता अलग बनाओ खाना अलग बनाओ, बहुत हो जाता है, सरसों के साग में टाइम तो लगता ही है ना, तो अभी सब बतला रहे हैं। तो सरसों का साग बना दिया है क्योंकि सुबह भी पैकिंग हो गई है लगभग, लेकिन उसको मैंने वही ना इकट्ठा करके रख देते तो सेट मम्मी करती हैं या फिर अनु करते हैं, तो सुबह बहुत हो जाता है वैसे भी जहाँ जाने वाला दिन हो जब बहुत हो जाता है, ये क्या रखना है क्या ले जाना है ये सब, इन सब चीज़ें फिर टाइम नहीं मिलता, तो मैंने बना के रख दिया है। और सबसे पहले तो मैं चाय के बर्तन धो लेती हूँ, थकान में कुछ नहीं करने का मन होता है ना, नहीं तो चाय बनाने में मुझे बिल्कुल आलस नहीं आता, मज़ा आता है बल्कि, तो पहले बना लेते हैं और
ब्लॉग कैसे रखते हैं कमेंट करके बताइएगा। और इस ब्लॉग की एंडिंग भी यहीं पे कर देते हैं ना। चलिए बाय बाय। ब्लॉग कैसा लगा और लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। इतना सब रहता है कि ब्लॉग बनाने का मतलब ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलता, एडिटिंग तो दूर की बात है। ऐसा होता है समझो, ये 5 सेकंड का टाइम नहीं मिलता। खासा दूध खत्म हो गया था, हमने मंगवा लिया था कि आओ ले आओ, सुबह चाय के लिए दिक्कत हो। नहीं अभी बोल देते कि दूध ही नहीं है। खैर मजाक कर रहे हैं। चाहे जितना घूम फिर लो, ये सबसे बेस्ट होता है ना कि फैमिली के साथ बैठो बढ़िया, वो भी जमीन पे बैठ के पंचायती करो, ये सबसे मस्त लगता है। तो समझ लो इतने दिन के बाद आज सुकून से बैठ पाए हैं सब लोगों के साथ, कि मतलब पूरी फैमिली बैठी हो और पुराने बचपन की बातें, यहाँ की बातें, वहाँ की बातें सब करते रहो और खो जाते हैं ना एकदम दिनों में, मस्त लगता है। चाय बन गई है, बाद में बात करते हैं, ठीक है। व्लॉग की एंडिंग कर दी थी लेकिन फिर से आ गए लुप से, तो बातें हो ही नहीं। मैं अरे हमारा मन नहीं लग रहा, अरे हमारा चाय बनाने में मन नहीं लग रहा। अरे यहाँ पैसे मैंने मतलब बना लिया था, जैसे उल्लू लग रहे हैं जग रहे हैं। तो एक बज गया बतलाते बतलाते, जेली लगा ली ऑटो में क्योंकि क्या होता है मतलब लगातार लिपस्टिक लगा रहे हैं ना, इधर जाओ उधर जाओ, गहरी गहरी लगा रहे हैं, ऊपर फट गए। तो फाइनली व्लॉग का एंडिंग करने जा रहे हैं, बार बार आ जाते ना लुप लुप। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं सारे व्लॉग के साथ। क्या जब तक ये व्लॉग जाएगा तो सबसे लास्ट, अभी तो बहुत सारे व्लॉग जाने हैं। अब लेट भी जाओ। तो चलिए पायल तो दिखा देते हैं आप लोगों को। तो डेली वेयर के लिए लिया है 2 जोड़ी, मतलब ये पतली है ना थोड़ा, और पतली क्या मतलब ये जो ब्लैक वाली वॉली दिख रही ना वो भी 47-48 ग्राम की, और ये भी। तो ये डेली वेयर के लिए लिया है, जो भारी वाली दिख रही है मम्मी ने दिलाई है एनिवर्सरी गिफ्ट। तो मैं अनु से बोल रही थी कि दिला दो, लेकिन अनु वो फिर मम्मी ने कहा कि नहीं तुम रिंग ले लो अनु से, नहीं तो फिर ये रह जाएगी। तो मैं छोटी मतलब उंगली के लिए रिंग लूँगी ग्रीन नग के लिए, ग्रीन नग में एनिवर्सरी। तो ये काफ़ी अलग डिज़ाइन में मिल गई हैं, तो आप लोग बताइएगा कि मेरी पायल कैसी लगी। तो चलिए आज के ब्लॉग का एंड फाइनली अब कर देते हैं, बहुत बार किया है, क्या करें, मुझे यहाँ के ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं तो मैं बनाती रहती हूँ, भले ही टाइम नहीं मिलेगा अभी एडिटिंग के लिए, थोड़ा सा लेट पहुँचा दूँगी लेकिन पहुँचा दूँगी, और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो चलिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय मेरे व्यूअर्स।